हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे परफेक्ट फिटिंग के लिए दोस्तों ब्लाउज में कितनी लूजिंग देनी चाहिए। ये दोस्तों जो हम लूजिंग देते हैं ब्लाउज में वो डीप नेक गले के हिसाब से देते हैं। जैसे बैक नेक में जितने डीप होता जाएगा गला उसी हिसाब से ही लूजिंग देंगे। या फिर दोस्तों आपका बैक से कॉलर हो, बॉड नेक हो, या फिर दोस्तों हाफ कॉलर हो, कोई सा भी आपका बंद गला हो, तो उसमें किस तरीके से हमें लूजिंग देनी चाहिए और क्या रीजन होता है दोस्तों लूजिंग देने का, वो भी मैंने आपको डिटेल में सिखा रखा है वीडियो में। अगर दोस्तों छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों ये हमने सिले हुए दो ब्लाउज ले रखे हैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि दोस्तों ब्लाउज में लूजिंग क्यों देते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे दोस्तों मैंने पहला ब्लाउज ले रखा है, ये कॉलर वाला है हमारा, और दूसरा ब्लाउज दोस्तों ये हमारा है पीछे से डीप नेक, ठीक है। पीछे से डीप नेक वाला है दूसरा ब्लाउज और पहला ब्लाउज दोस्तों हमारा कॉलर वाला है। तो ये दो ब्लाउज दोस्तों क्यों ले रखे हैं, इसमें दोस्तों क्या रीजन है। जैसे जो कॉलर वाला होता है उसमें अलग हिसाब से लूजिंग दी जाती है, और पीछे से जो गोल गला वाला ब्लाउज होता है उसमें लूजिंग अलग हिसाब से दी जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉलर नेक में कितनी लूजिंग देते हैं और किस लिए दी जाती है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करेंगे, एक ब्लाउज को हम साइड में हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है, ठीक है, तो क्या है दोस्तों, जैसे हमारा ये है पीछे से गोल गला, तो इसमें दोस्तों इसमें जो गोल गला है पीछे से, इसमें हमारी अलग लूजिंग रहेगी। जो लूजिंग दोस्तों हम ब्लाउज में देते हैं वो बैक गले के अनुसार देते हैं। जैसे जैसे हमारे बैक नेक डीप होते जाएंगे उसी हिसाब से ही लूजिंग दी जाएगी, और जितने गले हमारे छोटे होते जाएंगे उसी हिसाब से हमारी लूजिंग दी जाएगी ब्लाउज में, ठीक है। अब इसको पहले हम कॉलर वाले के बारे में आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको गोल वाले के बारे में सिखाएंगे। जैसे दोस्तों ये हमारा कॉलर वाला है, आगे से हमारा गोल गला है, आगे से कोई मतलब नहीं है दोस्तों हमारे गोल गले का। चाहे आपका बड़ा गला हो आगे से, छोटा गला हो आपका, आगे से कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। जो लूजिंग दी जाती है वो दोस्तों हमें दी जाती है बैक गले से, जो लूजिंग हमारी ब्लाउज में पड़ती है वो बैक गले के हिसाब से पड़ती है। अब जैसे दोस्तों ये तो हमारा कॉलर वाला गला है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो लूजिंग देंगे वो अलग तरीके से दी जाती है। जैसे दोस्तों हमने आपको सिखाया था कि बॉडी का नाप किस तरीके से लेते हैं ब्लाउज का, अगर दोस्तों हमारी वीडियो नहीं देखी है आपने तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि ब्लाउज का नाप किस तरीके से लें, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा पीछे से कॉलर है तो इसमें दोस्तों कोई यहाँ पर गैपिंग नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पर कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, एकदम जैसा है परफेक्ट तरीके से एकदम वैसा ही बैठा है, कोई हमारी इसमें खिंचाव नहीं हो रहा है। जैसे दोस्तों आपका कॉलर नेक हो गया, जैसे हमारा ये पीछे से कॉलर नेक है, बॉर्ड नेक हो गया, या फिर दोस्तों आपका छोटा गला हो गया, या फिर दोस्तों आपका क्या होता है आगे से, जैसे हमारा ये गोल गला बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमारा गोल गला बना हुआ है, आपका इस तरीके से कॉलर हो सकता है, यानी कि आगे से भी बंद हो सकता है और पूरा एक जैसा छोटा गला आपका हो सकता है ब्लाउज में, ठीक है, पूरा एक जैसा आपका छोटा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका पीछे से इस तरीके से ओपन ना हो, जैसे इसमें हमारा दोस्तों क्या है गोल गला है पीछे से, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इस तरीके से फैल जाएगा, ये दोस्तों हमारा इस तरीके से फैलेगा ब्लाउज, लेकिन ये गोल गला है पीछे से, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा बॉडी पे जब पहनेंगे हम तो इस तरीके से फैल जाएगा, और दोस्तों ये हमारा कॉलर वाला है तो ये बिल्कुल फैलेगा नहीं, जो है नाप हमारा परफेक्ट रहेगा, कहीं से भी हमारा इसमें खिंचाव नहीं आएगा। जैसे दोस्तों इसमें जो हम नाप रखेंगे, इसमें जो ब्लाउज में हम नाप रखेंगे, जैसे हमारा ये ब्लाउज मान के चलो यहाँ से हम नापते हैं इसका, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा है 15 इंच, इस जगह से हमारा 15 इंच है, ठीक है, यहाँ से हमारा 15 इंच है, कोई इसमें झोल वगैरह नहीं आ रही, और यहाँ से चेस्ट हमारी इस जगह पे आएगी, यहाँ से भी दोस्तों कोई खिंचाव हमारा नहीं हो रहा है। इस तरीके से 20.5 है, 20.5 इंच है हमारा हाफ में, तो दोस्तों ये 20.5 ही रहेगा, इसमें कोई बड़ाव नहीं होगा, ये क्योंकि दोस्तों ये हमारा पीछे से गला नहीं है, कॉलर है, या फिर दोस्तों आपका बॉर्ड नेक हो, या फिर दोस्तों 0 से 4.5 इंच तक, यानी कि 0 से 4.5 इंच हो, 5 इंच हो आपका, तो इसमें कोई लूजिंग यानी कि फैलेगा नहीं, पीछे से गला एकदम फैलेगा नहीं हमारा। तो इसमें दोस्तों जो लूजिंग देंगे वो देंगे हम 3 इंच की, आपका कोई सा भी साइज हो, 31 से 45 42 50 51 52 48 49, कोई सा भी आपका साइज हो, अगर आपका बैक से 0 से 4.5 इंच, या फिर दोस्तों आपका बॉर्ड नेक, कॉलर नेक, हाफ कॉलर, कोई सा भी, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से आपका बंद हो गला, तो इसमें दोस्तों हम 3 इंच की लूजिंग देंगे चेस्ट में, ठीक है। कमर में हम लूजिंग कोई देते नहीं है, जितना हम बॉडी का नाप लेंगे कमर में उतना ही दोस्तों आपको कमर बनानी है, लेकिन चेस्ट आपकी कोई सा भी आप नाप लेंगे 30 से लेकर 31 32 33
यानी कि 52 चेस्ट तक हिसाब तक अगर आप नाप लेते हैं बॉडी का, तो उसमें दोस्तों आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है, ठीक है, इस हिसाब से। और ये कॉलर भी दोस्तों हमारा जो शोल्डर कटता है वो भी इसका अलग तरीके से कटता है, ठीक है। ये दोस्तों हम बता देंगे आपको, स्पेशली वीडियो बनाएंगे कॉलर किस तरीके से हमें कटिंग करना चाहिए और कॉलर की कमी यानी कि जो कम करते हैं हम कॉलर वो किस तरीके से कम करना चाहिए। जैसे दोस्तों इसमें हमारा कॉलर बड़ा है, काफ़ी कटिंग हुआ, लेकिन इसमें दोस्तों जो हमारा यहाँ पर तीरा दोस्तों जो हमारा ये शोल्डर है तीरा, इसे ये दोस्तों हमारा फिक्स यानी कि बड़ा कटा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा कम है, इसमें हमारा काफ़ी कम है। तो ये दोस्तों किस तरीके से कम करते हैं, किस तरीके से हमारा कॉलर कटता है, वो सारा कुछ हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सिखा देंगे कि कॉलर किस तरीके से हम कम करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बात हो गई कि अगर आपका बॉर्ड नेक कॉलर नेक हाफ कॉलर यानी कि बंद गला हो कोई सा भी आपका, तो उसमें दोस्तों आपको चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग दे रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे ही पीछे से फैलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप बॉडी का नाप लेते हैं और बॉडी के हिसाब से ही आप बना देंगे तो यहाँ से काफ़ी टाइट हो जाएगा, आपकी ब्लाउज की फिटिंग नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों कॉलर में या फिर दोस्तों पीछे से, जैसे जो पीछे से गला फैलता नहीं है, कोई सा भी गला हो आपका बॉडी नेक हो कोई सा भी हो, जो पीछे से गला इस तरीके से फैलेगा नहीं, तो इसमें दोस्तों आपको 3 इंच की ही लूजिंग देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग नहीं आएगी अगर आप लूजिंग नहीं देंगे ब्लाउज में। ये तो दोस्तों हमारा हो गया पीछे से बंद गले के हिसाब से। हम चेस्ट में सिर्फ 3 इंच की लूजिंग देंगे, लेकिन कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, जो बॉडी का नाप लेंगे उसी हिसाब से ही बनाएंगे। ये तो दोस्तों हमारी कॉलर की बात हो गई कि बंद गला हो पीछे से तो किस तरीके से हमें लूजिंग दी जाएगी। अब बैक से, जैसे हमारा इसमें डीप नेक है तो इसमें किस तरीके से हमें लूजिंग देनी है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो दोस्तों हमारी कॉलर की बात हो गई, कॉलर के ब्लाउज को हम कर देते हैं साइड में। अब यहाँ से दोस्तों ये हमारा बैक से है डीप नेक, ठीक है, यहाँ से ये हमारा बैक से डीप नेक है, तो इसमें किस तरीके से लूजिंग दी जाएगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे दोस्तों इसमें हमारा गला था, पीछे वाले ब्लाउज में दोस्तों हमारा कॉलर है, तो उसमें हमने लूजिंग आपको देना सिखा दी किस तरीके से दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हमारे इसमें डीप नेक है, इसमें है जो बैक से गला है हमारा वो है दोस्तों 10 इंच का, तो 10 इंच का ब्लाउज किस तरीके से जैसे हम ये पहनेंगे बॉडी पे, तो क्या होगा इस तरीके से हमारा ये फैलेगा बॉडी पे पहनने के बाद, इस तरीके से हमारा फैलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें, जैसे हमारा बैक से डीप नेक है, अगर हम इसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा जब बॉडी पे पहनेंगे तो इस तरीके से गला हमारा फैलेगा, तो क्या होगा इस जगह पे ना हमारी झोल पड़ेगी, यहाँ पर इस जगह से काफ़ी झोल पड़ेगी, क्योंकि इसमें लूजिंग हम काफ़ी दे देंगे तो इसमें यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से हमारी ये झोल पड़ेगी, क्योंकि बैक से जब गला डीप होता है तो उसमें हमारा फैलता है। तो इसमें इसलिए दोस्तों गले के हिसाब से हमें लूजिंग देनी चाहिए, वो किस तरीके से देंगे वो मैं स्पेशली आपको स्क्रीन पे एक चार्ट बना दूंगा कि कितने डीप नेक में कितनी हमें लूजिंग देनी चाहिए, वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो नॉर्मली जैसे हमारा ये फैलेगा यहाँ से, तो इसमें दोस्तों जो 10 इंच में जो होगा दोस्तों, जैसे हमारा इसमें 10 इंच है, ठीक है, 10 इंच गला है हमारा, तो इसमें दोस्तों जो लूजिंग दी जाएगी वो दी जाएगी 1 से 1.5 इंच तक की, कोई सा भी आपका साइज हो, 31 से 52 चेस्ट तक आपका कोई सा भी साइज हो, ठीक है, तो आपको जो 10 इंच का अगर आपका गला होगा तो उसमें जो लूजिंग देंगे वो देंगे दोस्तों 1 से 1.5 इंच तक की। अब अलग अलग साइज में दोस्तों अलग अलग तरीके से हमें लूजिंग देनी होती है, जैसे कई बार हमें जैसे काम करते जाएंगे प्रैक्टिस जैसे होती जाएगी वैसे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए। एक दोस्तों ये आइडिया आपको बताया जा रहा है कि हमें किस तरीके से ब्लाउज बनाना चाहिए जो अच्छी हमारी फिटिंग आए, ठीक है। अब नॉर्मली ये तो हमारी गले की बात हो गई, और दोस्तों जैसे जैसे आप ब्लाउज बनाते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लाउज में हमारी क्या कमी आ रही है। जैसे हम बुटीक पे काम करेंगे तो कस्टमर अपने आप ही बताएगा कि ब्लाउज में हमारी ये कमी आ रही है, अगर आप ज़्यादा लूजिंग देंगे कम भी लूजिंग देंगे तो टाइट हो जाएगा, या फिर कई सारी कमियाँ आएंगी जो आपको काम करते करते आएंगी। जैसे कस्टमर हो या अपना काम बना रहे हैं, आप अपना ब्लाउज बना रहे हैं, तो आप खुद पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे कि हम क्या कमी कर रहे हैं ब्लाउज में, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। अगर दोस्तों आपका 4 इंच, जैसे हमारा 4 इंच है, तो 4 इंच गला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, यहाँ से नहीं फैलेगा हमारा, ठीक है, तो इसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आपका 5 इंच हो गया तो यहाँ से हल्का सा फैलेगा, तो यहाँ हम कर देंगे 2.5 इंच की लूजिंग, ठीक है, 6 इंच पे हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा गला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी लूजिंग कम होती जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जैसे हम लूजिंग क्यों देते हैं, कम लूजिंग क्यों देते हैं ब्लाउज में फिटिंग करने के लिए, जैसे यहाँ से हम जो ब्लाउज का नाप जो होता है वो इस तरीके से ओपन करके होता है, हमारा जो परफेक्ट नाप होता है वो ओपन होकर होता है, ठीक है। अब कमर पे हम दोस्तों कोई लूजिंग नहीं देंगे, कमर हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट जो नाप लेते हैं बॉडी का उसी हिसाब से हमारी कमर बनती है, कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं, चेस्ट में ही सिर्फ हम लूजिंग देते हैं। तो दोस्तों इसका जो नाप होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से, जैसे हमारा ये हुक है यहाँ से इस तरीके से इंच टेप रखेंगे इस जगह से, और इस तरीके से ओपन होकर हमारा नाप होता है ब्लाउज में, इस तरीके से दोस्तों हमारा ओपन होकर नाप होता है। तो ये दोस्तों जो हमारी चेस्ट आ गई है वो आ गई दोस्तों नाप के, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से नाप हम दिखा देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो चेस्ट हमारी वो 42.5 इंच है, ओपन करके ही हम नाप लेते हैं, चाहे आपका कॉलर नेक हो कोई सा भी हो ओपन करके ही लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई हमारा, यहाँ पर 42 इंच है चेस्ट, 42.5 इंच। अगर इसी को इस तरीके से हम बंद में नापेंगे जैसे ओपन में हमने नापा, तो इसमें अगर हम बंद में नापते हैं, जैसे दोबारा से मैं बंद कर लेता हूँ, इस तरीके से अगर हम नापेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से जैसे हम नाप रहे थे उसमें नाप रहे थे बंद में, दोस्तों जो कॉलर नेक था उसमें हम नाप रहे थे बैक से, तो हमारा फिक्स था, कोई फैलाव नहीं आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से हम सेट कर लेंगे इसे दोबारा से। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम बराबर से चेस्ट नापते हैं इसकी, तो क्या होगा ये हमारा फैलेगा, जैसे हमारा ये 20 इंच आ रहा है अभी, ठीक है। तो जब कस्टमर इस तरह यहाँ से मैंने इस तरीके से पकड़ लिया, लेकिन हमारा ब्लाउज जब है इस तरीके से फैलेगा, तो यहाँ पर जब फैलेगा दोस्तों तो ये हमारा बढ़ गया 21 इंच हो गया। अगर इस तरीके से अगर हम 3 इंच की लूजिंग दे देंगे इसमें तो काफ़ी यहाँ पर झोल पड़ेगी, इस जगह पे हमारी काफ़ी झोल आएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई गले की ब्रोड होता है तो किस तरीके से हम लूजिंग देते हैं। अगर दोस्तों आपका बाई चांस हो गया 11 या 12 इंच, अगर आपका गला बन जाता है 11 या 12 इंच, अगर आपका गला बनता है तो उसमें कितनी लूजिंग दी जाएगी, उसमें दोस्तों हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, 11-12 इंच में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे। और बाकी मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा स्क्रीन पे, आप स्क्रीन शॉट लेके या लिख कर आप रख सकते हैं, उसी हिसाब से आप ब्लाउज की कटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लाउज में, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से लिख के सारा दिखा देता हूँ कि कितने चेस्ट में, यानी कि 31 से 45-52 चेस्ट के हिसाब तक हमें डीप नेक कितना रखना चाहिए, उसमें हम कितनी लूजिंग देंगे, सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन में वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें कितने डीप नेक गले में लूजिंग देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि ब्लाउज में लूजिंग क्यों दी जाती है, अब दोस्तों जो हमारे स्क्रीन पर नाप लिखकर आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपका चेस्ट साइज 31 से 45 इंच बॉडी का नाप है और आप 0 से 4.5 इंच गला बनाते हैं बैक से, जैसे कि बॉर्ड नेक कॉलर नेक पीछे से छोटा गला हो आपका, 2-3-4 इंच गला है, तो दोस्तों आपको चेस्ट में लूजिंग देनी है 3 इंच की। जैसे कि 40 इंच हमारी चेस्ट है बॉडी का नाप, 3 इंच हमने इसमें प्लस करा है, बराबर 43 इंच चेस्ट तैयार नाप आ गया है हमारा, ठीक है। अगर आपका छोटा भी साइज हो जैसे 32 इंच चेस्ट बॉडी का नाप, जैसे 3 इंच हम इसमें प्लस करेंगे 35 इंच चेस्ट हमारी तैयार आ जाएगी। अब ब्लाउज की कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं। ये तो दोस्तों हमारी बात हो गई जो हमारा कॉलर नेक बॉर्ड नेक पीछे से छोटा गला हो उसकी हमने आपको समझा दिया कि चेस्ट में हमें 3 इंच की लूजिंग देनी चाहिए अगर आपका 31 से 45 इंच बॉडी का नाप है बॉडी का, ठीक है। बॉडी का जो हमने आपको नाप लेना सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने बॉडी का नाप लिया है उसी तरीके से आप नाप लेते हैं तो इस हिसाब से लूजिंग दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप पीछे से बड़ा गला बनाते हैं जैसे 6 से ज़्यादा इंच, तो दोस्तों उसके बारे में मैंने आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे दोस्तों अगर आप पीछे से 5 से 9 इंच तक बनाते हैं गला, तो उसमें कितनी लूजिंग दी जाएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका चेस्ट साइज 31 से 45 इंच बॉडी का नाप है और आप 5 से 9 इंच गला बनाते हैं बैक से, तो जैसे कि बैक से गला हमारा होगा 5, 6, 7, 8, 9 इंच गला है आपका, तो चेस्ट में आपको लूजिंग देनी है 2 इंच की। जैसे कि 40 इंच हमारी चेस्ट है बॉडी का नाप, 2 इंच हमें इसमें लूजिंग देंगे तो 42 इंच हमारी चेस्ट तैयार आएगा, ठीक है। 42 इंच हमारी चेस्ट तैयार आएगी। अगर आपका छोटा साइज हो जैसे 32 इंच चेस्ट है हमारी बॉडी का नाप, ठीक है, और इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 34 इंच चेस्ट हमारी तैयार आएगी, ठीक है। और ब्लाउज की कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं, जो हम कमर नापते हैं ब्लाउज की बॉडी का उसी हिसाब से हम कमर में लूजिंग नहीं देते हैं, उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये दोस्तों हमने आपको सिखा दिया 5 से 9 इंच अगर आपका बैक गला है तो 2 इंच की हमें लूजिंग देनी है चेस्ट में, ठीक है। अगर आपका 10 से बड़ा गला हो तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ।
मैंने दोस्तों आपको समझा दी कि 5 से 9 इंच तक आप गला बनाते हैं तो कितनी लूजिंग हमें देनी चाहिए। अगर दोस्तों आपका चेस्ट साइज 31 से 45 इंच बॉडी का नाप है और आप बैक से गला बनाते हैं, जैसे बैक से जो गला बनाएंगे हम 10 से 13 इंच गला बनाते हैं बैक से, जैसे कि बैक से गला 10 11 12 13 इंच गला बनाते हैं आप, तो दोस्तों आपको चेस्ट में लूजिंग देनी है 0 इंच की। इसमें हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, जो आपकी चेस्ट होगी उसी हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे कि 38 इंच हमारी चेस्ट है बॉडी का नाप, तो 0 लूजिंग देंगे, कोई लूजिंग हम इसमें नहीं देंगे, तो 38 इंच हमारी चेस्ट तैयार आएगी, इसी नाप से ही हम कटिंग कर देंगे। अगर आपका छोटा साइज हो ब्लाउज का, जैसे 31 इंच चेस्ट हमारी बॉडी का नाप है, इसमें हम 0 लूजिंग देंगे, 31 इंच हमारी चेस्ट तैयार आएगी, कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं। जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको सिखाया है बॉडी का नाप लेना, उसी हिसाब से अगर नाप लेते हैं बॉडी का, तो उसमें जैसे मैंने आपको लूजिंग दे दी है उसी हिसाब से आप ब्लाउज की कटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है बॉडी मेजरमेंट की, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया लूजिंग देना ब्लाउज में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया है कि कितने डीप नेक गले में कितनी लूजिंग हमें देनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको फिटिंग का ब्लाउज बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया, उसी तरीके से आप चेस्ट में लूजिंग दें ब्लाउज में, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। और बाकी दोस्तों जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। जैसे हम काम करेंगे, अपना काम करेंगे, आप किसी कस्टमर का काम करके देंगे, तो जो भी शिकायत होगी कस्टमर बताएगा या फिर आपको खुद अपना काम में दिखेगी, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा और सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। ये छोटी सी दोस्तों हमारी वीडियो थी, आपने अच्छे से वॉच करी होगी। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट लगा हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।